तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दी है, बहुत छोटी कर दी है। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जो मैंने ग्रीन वाला ले रखा है बैकग्राउंड, सबसे पहले आपको ग्रीन बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। वो कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पर मीडिया पर आप जाएंगे, मीडिया पर जाके आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको सॉलिड कलर ब्लैक कलर लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ से इसको ब्लैक कलर, जैसे ब्लैक कलर का था तो मैंने इसको ब्लैक कलर, मैंने इसको चेंज कर दिया, ग्रीन में कर दिया इसको मैंने, ठीक है। ये ऐसे ब्लैक हो जाता है, ठीक है, इसको ओके कर मैं कर दूंगा तो, ठीक है। तो इसको आपको ग्रीन ही लेके रखना है। और अब दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, इसके बाद आपको लेना है अपनी वीडियो, जो आपने वीडियो बनाई है, जो वीडियो आपने ये क्रिएट की है, ठीक है। ये वाली एक वीडियो आपको बनानी है सबसे पहले इस तरह से, जैसे कि जो आपने शुरू में देखा ये वीडियो के, उस तरह से आपको एक रिएक्ट करते हुए एक वीडियो बनानी है ये अपनी, ठीक है। और इस पे लगाना है आपको, पहले आपको जो है इस पे वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की आपको सेटिंग इस तरह से करनी है कुछ, ठीक है। ये जो साइड में आप ग्रीन देख रहे हैं, इसको ग्रीन को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये इस मास्क का है ये, ठीक है, ये आपको आएगा इसमें। तो ये मैंने पहले लगा दिया है, इसलिए आप मुझे आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, लेकिन जब आप लगाएंगे आप पहले वीडियो लगाइएगा। वीडियो लगाएंगे तो आप क्रोमा पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लास्ट में इधर ग्रीन नहीं होगा, पूरा ब्लैक ही होगा, ठीक है। आप क्रोमा की सेटिंग वैसे कीजिएगा एग्जैक्टली जैसे मैंने की हुई है, 45 और 39 अपने हिसाब से इसको सेट कीजिएगा। और की कलर जो है इसका ग्रीन रखिएगा, ग्रीन को आगे बढ़ा के, वैसे ग्रीन ही होगा, नहीं होता है उसको लीजिएगा। डिटेल्स कर्व में आप जाके इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट कर दीजिएगा क्रोमा की डिटेल में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब आपको ये मास्क लगाना है, ये मास्क जो आपको चाहिए ये, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे जो है साइड में लिख दूंगा, वहाँ से मैं आपको मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको ये सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये मास्क आपको लगाना सबसे पहले, और मास्क को जैसे ही देखिए, जैसे ही मास्क चलता है इस तरह से, इस मास्क की आप पहले वो देख लीजिए ये कैसे आएगा। ये मास्क पे क्लिक करके आप क्रोमा की पे जाएंगे, और ये सेटिंग आपको हमेशा याद रखनी है गाइस, ये इसकी सेटिंग रहेगी, क्रोमा की दिखाता हूँ मैं आपको इसकी, वो ये रहेगी 91 और 4, ये हमेशा याद रखिएगा। ये इसकी की कलर, इसका ब्लू कलर रखना है आपको, ग्रीन बिल्कुल पीछे कर देना है, ब्लू कलर रखना है इसका की कलर, और 91 और 4 याद रखिएगा इसको इनेबल करके क्रोमा की को। इसके डिटेल में आके इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना है, इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना है, दैट्स इट, ये आपका हो गया। ओके इसको एडजस्टमेंट ऐसे करना है सिंपली, और आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो, ये इस तरह से आपको बनानी है ये, ठीक है। अब इतना आपका हो गया ये क्लियर। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते दोबारा से हम, तो कुछ इस तरह से ये बनने वाली है वीडियो। ओके अब गाइस जो बाकी का ये बैकग्राउंड है एक्स्ट्रा, इसको मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको मुझे यहाँ से कट करके राइट से डिलीट कर देना है, ऐसे ही मुझे इसको भी, मास्क को भी डिलीट कर देना है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ नीचे, वो चीज़ क्या होगी शुरू में ले आएंगे हम यहाँ पे मैं इसमें जो है जो इफ़ेक्ट होगा आपका वो मैं बाद में ऐड करूँगा, सबसे पहले आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे वीडियो को। ये आपकी इतनी वीडियो तैयार हो गई है, ठीक है। यहाँ से भी बाकी का मुझे डिलीट करना है कुछ इसमें आइटम, जैसे ये वीडियो पर क्लिक किया मैंने, देखते हैं एक बार, तो ये इतनी वीडियो एक्स्ट्रा ही है मेरे पास ना, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इतनी वीडियो ये रखनी है, तो इतना मुझे सब डिलीट करना है, राइट से डिलीट एट दिस वन आल्सो, राइट से डिलीट, ये इतनी वीडियो मेरे को रखनी है और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा अब, ठीक है। इतनी मैंने ये एक्सपोर्ट कर देनी है जाके, जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाती है इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है, वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उसके लिए हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें, कि जो हमें पर्टिकुलर लगाना है वो कैसे लगाना है,
पार्टिकल्स इसमें जो लगेगा वो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्रोमा की पे जाके क्रोमा की इनेबल कर देनी है। बाकी सेटिंग वगैरह क्रोमा की हम बाद में करेंगे, पहले तो आपको वीडियो लेनी जो आपने एक्सपोर्ट की थी, बाद में आपको क्रोमा की पे जाके उस पर नीचे इसको ऐड करके इस पर क्रोमा की पे जाके आपको उसको इनेबल कर देनी। तो गाइज अब देखिए ये भी मेरी रेडी हो गई, ये मैंने इसको प्रॉपर सेट कर दिया, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बन चुकी है वैसे, बट ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं आ रही है, इसका रीज़न मैं बता दूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर जो है मेरा, देखिए ये मैं अगर धीरे धीरे आगे इसको उसको आगे ले जा रहा हूँ वीडियो को, देखिए ये प्रॉपर हो चुका है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है वो इसको इफेक्टेड कर रहा है, जो ये इसमें पार्टिकल है पार्टिकल को वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब मेरी एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखा पाऊँगा, ठीक है। ये देखिए गाइस ये बन चुकी है, तो मैं फ़िलहाल इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम आपको प्ले करके दिखाएंगे ये वीडियो। जैसे कि मेरी ये एक्सपोर्ट हो रही है और ये फाइनल ये एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस ये प्रॉपर इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ओके। ये कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अब ये जो फाइल मैंने बनाई है अभी जो मैंने एक्सपोर्ट की है इसको मैं बाद में उठाऊंगा, पहले मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड उठाऊंगा। आप कोई सा भी कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड उठाया इसको, ओके के नीचे वो अपना फाइल लगाई, दैट्स इट। इसको प्ले किया मैंने, इसमें अच्छी बात ये एक्चुअली आप इसमें क्लिक करके इसको क्रोमा की देख लीजिएगा, क्रोमा की आपकी ये रहनी चाहिए 38 और 39 का उसमें डिफरेंस और डिटेल्स में ये आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी अदर चीज़ों की, इसमें आप जो है ना कलर फिल्टर में जाके इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने B11 किया हुआ है फिलहाल बेसिक में। आप देखिए आप चेंजेस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का कर लें, इसमें डिपेंड्स ऑन यू। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सी बात है। आप इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं इसमें दिए हुए, आप उनको लगा सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, जो भी आपको बेटर लगेगा। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो बेटर, नहीं ये अच्छा नहीं है आपका, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह ये कब कर लेंगे, कॉन्ट्रेस्ट वगैरह, ठीक है, और ये भी कम ज़्यादा कर लेंगे ब्राइटनेस, ठीक है, इतना आपको करना है। और एक बार मैं इसका जो फ़िल्टर दोबारा से चेंज कर देता हूँ, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको भी कलर फिल्टर से बेटर कर सकता हूँ अपने बैकग्राउंड को। इसमें बेसिक पे गया, तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है गाइस। तो सिंपल सी बात है, आपका प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। आप इसमें कोई भी बैकग्राउंड लेके पीछे कोई भी आप वो लेके इसको फिल्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये रही आपकी वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस, थैंक यू।